नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ब्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो आपका ये देख रहे हैं आप एक्सटर्नल डीवीडी राइटर आता है, और ये इसका उपयोग आपने अपने कंप्यूटर्स में तो काफ़ी बार किया है और करते हैं अपन, लेकिन इसका उपयोग अपन जो है आपके घर में LEDs होती हैं, LED डिस्प्ले जो होता है आपका, आजकल LED आ रही है, तो उसमें अपन इसका यूज़ कैसे करें, क्योंकि अपन या तो फिर उसके लिए DVD प्लेयर अलग से ख़रीदते हैं, ऐसा ना करके अपन देख सकते हैं कि इसमें एक फीचर्स होता है, इसमें AV कनेक्टिविटी, ये आप देख रहे हैं इसमें AV कनेक्टिविटी लिखा हुआ है। अगर ये देख लें कि अगर आपको उस पर AV कनेक्टिविटी लिखा हुआ है तो उसको आप जो है घर बैठ के ही अपनी LED जो है उस पर आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आराम से इसका आप मज़ा ले सकते हैं दोस्तों, और आप जो है उससे जो आपका DVD राइटर है उसके भी पैसे एक तरह से बचा सकते हैं। तो अपन आइए देखते हैं कि इसको आज अपन कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो आपकी TV है LED, उस पर जाएँ और उस पर जाकर जो मोड देख रहे हैं आप, इनपुट सोर्स है ना, TV, AVP, AV है ना, VGA, और ये आपका HDMI, और इसके बाद USB, तो USB पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, अभी आप देखेंगे जैसे ये USB का डिस्प्ले आ गया आपका, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर अभी इस पर डिवाइस कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ लिख रहा है ये नो डिवाइस, तो आप फोटो, म्यूज़िक, मूवी और टेक्स्ट इस तरह से इसमें आप डिस्प्ले दे सकते हैं। तो आइए पहले अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो मैंने एक DVD लगाई हुई है इस पर, और अपन इसको प्ले करके देखते हैं कि ये क्या रन करता है। अभी देखिए, अपन इसको प्ले को इन किया और इसके बाद ये देखिए, ये आप देख रहे हैं LED ब्लिंक हो रही है इसकी, और इसके बाद देखते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आप देखें, देखिए अभी इसमें कोई वर्क नहीं है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए नो डिवाइस लिख के आ रहा है। अगर ये कनेक्ट हो जाएगी तो आपका यहाँ USB डिवाइस लिख के आ जाता है ना। तो अब अपन को क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी आप जो DVD प्लेयर है इसको आप फिर से खोलें, है ना, केबल लगा लें, ये लगा लिया आपने, देख रहे हैं आप CD लगी हुई है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका जो बटन है, ये प्ले बटन जो आपका केलो या एक सिंगल जो बटन आप आगे फ्रंट पे होता है, उसको 2 सेकंड दबा के रखें इस तरह से। ये 2 सेकंड दबाने के बाद जो आपका है जो LED लाइट हो जाएगी, मतलब आपकी LED जलने लगेगी। ठीक है, उसके जलने के बाद ही आप इसको अंदर इंसर्ट कर दें। तो आपने देखा था पहले जो था वो सादा सिंगल मोड था, और ये आपकी जो अब है ये USB मोड में आ जाएगी, मतलब LED पे आपका इसका डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये अब एक्सेस कर रही है। अभी अपन देखते हैं कि यहाँ देखिएगा, अगर आपका ये चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका वर्क कर रहा है। देखिए अभी लीड हो रही है ये। तो दोस्तों बड़ा आसान सा है, लेकिन ये क्या है, जनरली हर किसी को पता नहीं कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसलिए मैंने ये इस पर आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अपन को नहीं आती और नहीं कर पाते। तो अब देखेंगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, अभी एक्सेस हो रही है। देखिए अभी यहाँ पर नो डिवाइस ही है अभी। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो है आपका कनेक्ट हो गया है, अगर कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि USB 2.0। हाँ, तो आपके देखिए ये DVD के ऊपर डिपेंड करेगा, जो DVD राइटर है, या हो सकता है 2.3.0 भी हो, लेकिन ये अब देखिए एक्सेस कर लिया है इसका मतलब इसने। तो अब अपन जैसे आप इसमें आपके DVD में फ़ोटो हैं, म्यूज़िक है, MP3 है ना, ऑडियो वाली वीडियो में मूवीज़, या आपका कोई टेक्स्ट मोड है, वो आप इसमें आराम से बड़े आराम से देख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर अभी DVD लगाई हुई है मूवी की, तो आप देख रहे हैं ये, देखिए यहाँ आप जो है इसने इसको रीड कर लिया है, इसके कंटेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कंटेंट्स भी इसमें आ गए दोस्तों, जैसे अपन ये देखिए लोड होना भी शुरू हो गया है। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ये आपकी जो है जो DVD है, एक्सटर्नल DVD राइटर, आप इसको कैसे अपने LED से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अधिकतर ये मैंने देखा है कि ये मैं भी इससे पहले खुद अपने पास इसको कनेक्ट नहीं करवा रहा था कि कैसे करना है, फिर मैंने इसको देखा और उसके बाद जब प्रॉपर हो गया उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें आप फोटो, म्यूज़िक, MP3 या आप यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप देखिए सभी के पास DVD राइटर जो DVD प्लेयर होता है नहीं होता है, और आप अगर आपके पास ये है तो आप इसको आराम से अपनी LED के साथ कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसमें आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि देखिए जैसे आपने ये कनेक्ट कर लिया और उसको आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, है ना,
तो ये एलईडी अभी जल रही है, इसका मतलब जैसे भी आप और कोई सीडी डालेंगे म्यूज़िक की हो तो वह आपकी ये डीवीडी कनेक्ट हो जाएगा और डिस्प्ले चालू हो जाएगा। अगर आपको फिर इसको नॉर्मल मोड में करना है, कंप्यूटर मोड में कर लीजिए आप उसको, तो इसको आप जो है 2 सेकंड तक के लिए दबा के रखें। ये देखिए अब ये बंद हो गया, अब मतलब ये नॉर्मल मोड में हो गया। अब आप इसको अगर सर्च फिर से करेंगे तो ये आपका ये नो डिवाइस है, ये बना रहेगा, मतलब आपकी यूएसबी से कनेक्ट नहीं होगी, मतलब ये अभी आपकी नॉर्मल हो गई है ना। दोस्तों दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर इसी टाइप की अगर कोई छोटी छोटी और भी कोई आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है या जिसमें आपको किसी की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप उसको मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।